नमस्कार किसान भाई। तो भाई आज अपने पास पावर ट्रक यूरो 55, तो भाई ताऊ का ट्रैक्टर है, ये ताऊ है। नाम बताओ तो आप अपना। गाँव तो ताऊ, ये आप ट्रैक्टर कब लेकर आए? पिछले साल ले आ रहा, जून में, 24 जून। कितने रुपए में पड़ा आपको ये ट्रैक्टर? 9 लाख। आपने बदले में कोई ट्रैक्टर लगाया था दूसरा? ट्रैक्टर लिया था वो लैंड 36-30 2013 मॉडल। अच्छा, वो कितने में लगाया आप? 4.25 लाख। 4.25 लाख। तो बताओ, जैसे आपने ट्रैक्टर लिया तो आप घर से निकले ट्रैक्टर लेने के लिए, तो आपने काफ़ी ट्रैक्टर ट्राई करे होंगे? सारा ट्राई कर लिया था टोटल। आपने इससे अच्छा ट्रैक्टर कोई नहीं निकला? अच्छा। और डीजल एवरेज में? डीजल एवरेज इसकी कल्टीवेटर में 100 वाट के करीब है, और एरो में बढ़िया तरीका से चलाओ हो तो 2.25 नहीं 1.5। अच्छा। जैसे कि भाई आपने ये कंपनी देती है डीजल सेवर पावर ट्रक के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब एवरेज में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अच्छा। और ट्रैक्टरों से 55 HP में बढ़िया एवरेज देता है ये? जैसे स्वराज 855 है, उससे एवरेज भी बढ़िया और उससे खिंचाई 1.5 गुना है। अच्छा। खिंचाई भी बहुत जबरदस्त है सब। तो भाई तब आपका जैसे 4x4 ट्रैक्टर लिया आपने, इसका रीजन क्या था आपको? 4x4 RPM ना थोड़े, डीजल एवरेज ऑटोमेटिक फालतू दे। अगर 70 HP को 2 व्हील ट्रैक्टर ले इससे बढ़िया तो 45 HP को 4 व्हील ले ले, वो बढ़िया है। अच्छा। डीजल कंजप्शन कम, हर तरीका से खिंचाई बढ़िया। नहीं, जैसे आप ये किस इम्प्लीमेंट में चलाते हो, मतलब कि जैसे पिलाऊ उलाऊ वगैरह? पिलाऊ में भी चले हैं, 18 की एरो है, 13 का कल्टीवेटर है, रोटोवेटर है 8 फीट। और मशीन खुदाई की वो वाली मुसलमान की जो खेती करा हुए हैं, वो खींच देता है आराम से? बिल्कुल आराम से। अच्छा। तो जैसे आपने ट्रैक्टर लिया, तो इसमें आपको हर ट्रैक्टर में अच्छी चीज़ भी होती है और कमी भी होती है, तो आपने सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस ट्रैक्टर में? डीजल की एवरेज और RPM, मतलब खिंचाई 90 HP जितनी खिंचाई कर रहा है 55 HP का ट्रैक्टर। अच्छा, व्हील का 90 HP का। जैसे आपने 1200 RPM पर चला दे, तो 1200 RPM प्रति 1 RPM मिनट तोड़ेगा? अच्छा। तो भाई कमी क्या है ट्रैक्टर में? कुछ भी कमी हो हिसाब से अभी कुछ भी कमी ना आई? कुछ भी कमी नहीं है। साल भर हो गया लग जाना है तो। हाँ, आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं? 3 ट्रैक्टर हैं। 3 ट्रैक्टर कौन कौन से? एक तो फार्म, एक 2022 मॉडल, एक पावर ट्रक 2021 मॉडल, एक फोर्ड 3600। अच्छा। फोर्ड 3600 क्या मॉडल है? 94 मॉडल है, लेकिन मॉडिफाई करा रखे हो सर। अच्छा। वो आप तो अंदर रखते हो? हाँ, इंजन सब कुछ कंप्लीट करा। वो अंदर खड़ा रहता है। और इंडो फार्म क्या मॉडल है? इंडो फार्म 2022 1 जनवरी। 1 जनवरी का। तो आपने वही ट्रैक्टर की लियो इंडो फार्म? और भी ट्राई करे होंगे आपने? यूरो भी ला सकते थे आप दूसरा? यूरो कॉस्टली पड़ रहा था, ट्रैक्टर सस्ता पड़ रहा था। दूसरा जो स्वराज 855 में, जो सोनाली का 750 में, जो फंक्शन है सारा उसमें सेम वही कॉपी है। हाँ, वो कितने HP में? 50 HP में। 50 HP। तो जैसे 50 HP में यूरो भी आता है ना? यूरो आवे तो यूरो अच्छा। रेट में यूरो 50 में और इंडो फार्म में क्या अंतर, कितना रुपए का? लगभग 1 लाख रुपए का डिफरेंस। अच्छा, 1 लाख रुपए। उसकी कैसी खिंचाई है? उसकी भी जबरदस्त खिंचाई है, दमदार। एवरेज में? इससे एवरेज बताओ, इससे एवरेज कम है या नहीं? वो 50 HP में, ये 55 HP में तो एवरेज तो उसकी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन HP 50 है। अच्छा। आपने वो किस इम्प्लीमेंट में चलाया था वो ट्रैक्टर? हर चीज में चला रखा टोटल। कोई कमी वगैरह ट्रैक्टर में? कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप एक सीजन में कितनी जमीन जोत देते हो? 1 बीघा की खेत रहते हैं। अच्छा। तो ट्रैक्टर तो बढ़िया। जैसे आप अगर दूसरा ट्रैक्टर लेकर आओ, तो आप कौन सा ट्रैक्टर लेकर आओगे? पावर ट्रक। दूसरा पावर ट्रक, सीट वीट वगैरह हम कंफर्टेबल, अच्छा ट्रैक्टर है। तो भाई फिलहाल इस किसान भाइयों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।